एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडा पांडे में स्थित ग्राम घोंडा पहुंचा। लगभग 6000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी 20 किलोमीटर है। वर्तमान में गांव के प्रधान राजकुमार सिंह हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराए जा रहे हैं। लगभग 2400 वोटर वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गाँव के प्राइमरी विद्यालय में 256 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए। वहीं पता चला कि गांव में एक भी जूनियर हाई स्कूल नहीं है, जो शिक्षा के बदहाल इंतजाम को बयां करने के लिए काफी है। वहीं बात अगर गांव में हुए विकास कार्यों की करें तो ग्राम प्रधान निधि से ग्राम प्रधान ने गांव में 31 हैंडपंप लगवाए हैं, जिससे ग्रामीणों को पेयजल की कोई समस्या ना हो। साथ ही 200 विद्युत पोल व 4 विद्युत ट्रांसफार्मर भी लगवाए गए हैं। साथ ही वर्तमान प्रधान ने बताया कि ग्राम निधि से स्कूल में बाउंड्री शौचालयों तथा आंगनबाड़ी केंद्र तक सीसी रोडवे पुलिया निर्माण भी कराया है। एपीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में एक पंचायत घर, जूनियर हाई स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, पानी निकासी के लिए एक नाला, शौचालय एवं बारात घर का निर्माण कराने की राज्य सरकार केंद्र सरकार से मांग की है। मैं ग्राम प्रधान राजकुमार सिंह, जो मैंने यहां पर काम कराए हैं, सर्वप्रथम स्कूल की बाउंड्री वॉल, आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल के सामने 250 मीटर सीसी टाइल्स और एक बराबर के गाँव में 350 मीटर सीसी टाइल्स और चतरपुर नक्ताखेड़ा में शौचालय का निर्माण करा है स्कूल का, और शौचालय का निर्माण घोंडा में करा रहा हूँ मैं इस प्राइमरी स्कूल में, और एक पुलिया निर्माण कराया मैंने। उसके उपरांत में मेरी मांग है बिजली के लिए, बिजली के यहाँ मेरे यहाँ पर ट्रांसफार्मर 4 रखे हुए हैं, लेकिन इस समय एक चल रहा है चालू हालत में। उससे थोड़े मेरे ग्रामवासियों के लिए समस्या हो रही है, बिजली की जो है भरपूर सप्लाई नहीं मिल रही, उन्हें वोल्टेज कम मिल रही है, तो उससे परेशानी बन रही है। तो मेरे यहाँ मुझे 40 लट्ठों कुछ इनकी मांग है पोलों की, और जो है पंचायत भवन की मांग है मेरी, एक बारात घर की मांग है, और 200 शौचालयों की स्वच्छ भारत मिशन के आधार पर ये मेरी मांगे हैं।